1 टाइप के और टाइप 2 इन दो टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की ट्रिक्स की थी। ये कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, हमने खुद से बनाई थी ट्रिक्स। पढ़ने के लिए हमने इसे टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया था। तो टाइप 1 और टाइप 2 हम पहले कर चुके हैं, और फिर हमने एक वीडियो में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब नेगेटिव और पॉजिटिव होती हैं। अब हमारा बेसिक काफ़ी क्लियर है, अब टाइप 3 टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए, 0, 30, 60, 45 और 90 डिग्री की। तो बहुत आसान है, आराम से याद हो जाएंगी, तो इसे याद करते हैं। पहले मैं आपको वैल्यूज याद करवाऊंगी, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और इसी टाइप को कहेंगे टाइप 3 क्वेश्चंस। इसके जो क्वेश्चंस होंगे, पहले वो दिखाती हूँ कैसे दिखेंगे। इसके क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिखेंगे। क्वेश्चन गिवन होगा tan 30 इंटू cot 60 अपॉन sin 30, ऐसा कुछ गिवन होगा। अब इन सबकी वैल्यूज आपको पुट करनी है। आप ऐसे कैंसिल करने की कोशिश करोगे या टाइप 2 वाली ट्रिक अपनाने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। बेशक 60 और 30 क्या है, 90 डिग्री ऐड होके बन रहे हैं, पर इसमें एक थर्ड चीज़ भी है, और हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हम इसकी वैल्यू पुट ना करें। तो इसलिए हमें वैल्यूज पुट करके ही करना पड़ेगा। वैल्यूज याद करते हैं, देखते हैं वैल्यू टेबल। वैसे अगर आपने क्लास 10th में वैल्यू टेबल याद किया होगा तो आपको अब याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए, आई एम श्योर आपने किया ही होगा। अब हम इसे रिवाइज करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीन बेसिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यूज देखेंगे। इसके बाद साइन कॉस टैन हमें पता है कि बेसिक है, अगर साइन की आ गई तो इसके जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक उसकी निकाल सकते हैं, कॉस की आ गई इसका रेसिप्रोकल होता है सेक उसकी निकाल सकते हैं, टैन की आ गई तो उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट उसकी भी निकाल सकते हैं। हमें बस इन तीनों की याद करनी है। तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सबसे पहले हम इसे देखेंगे तीन बेसिक रेशियोज के लिए, साइन कॉस और टैन, और उसके बाद बाकी तीन रेशियोज अपने आप निकल जाएंगे। देखते हैं साइन की वैल्यू 0 पर क्या होती है, 30 पे क्या होती है, 45 पे क्या होती है। इसको याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे लिखो 0, 1, 2, 3, 4। ये काउंटिंग याद करने में तो कोई मसला नहीं, बहुत आसानी से हो गई। अब क्या करो, सबको हमें डिवाइड करते जाना है 4 से, ठीक है। अब सबका रूट ले लो, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी और इसका भी। अब इसको सॉल्व करो, इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, इसको लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 पर एनीथिंग इज 0, 0 का रूट क्या आएगा, वो भी 0 ही आएगा, इसकी फाइनल वैल्यू आ गई 0। अब इसको करते हैं 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, और 4 का रूट हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। इसको करते हैं, पहले इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 1 है ये 2 है, 1/2 का रूट यानी कि 1 का रूट यानी कि 1, और 2 का रूट यानी कि 1/√2, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, ये आ जाएगा √3/2, इसको करेंगे 4 से 4 कैंसिल, 1 का रूट होता है 1। हमारे पास आ गई ये 5 वैल्यूज 5 एंगल्स के लिए। अब इन वैल्यूज को लिख के दिखाती हूँ, लिखना कैसे ये समझ में आ गया, इतनी आसान सा टेबल है, जल्दी से साइड पे बना लो। आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर याद भी हो जाएगी, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे याद भी हो जाएगी, पर ये तरीका है कि आपको याद भी ना करनी पड़े, ठीक है। अब इसको एक बड़ी साथ से लिख लेते हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, एंड साइन 90 डिग्री 1। वैल्यूज याद हो गई, और साइन और 0 इकट्ठे लगा के इसका कोई मतलब बनता है, आप इसको अलग अलग मत समझना। तो साइन और 0 डिग्री यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं साइन 0 बताओ क्या है, तो उसकी वैल्यू आएगी 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। चलो अब कॉस निकालते हैं। कॉस क्या होता है, जितनी साइन की आई ना उसको यहाँ से उठा के उल्टा लिख दो। अगर 90 साइन 91 था तो कॉस 0 क्या होगा 1, इसको ऐसे उल्टा लिखते जाओ, बिल्कुल एकदम उल्टा लिख दो, और हमारा टेबल बन जाएगा। बिल्कुल यही है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, साइन और कॉस सिर्फ एक ही वैल्यू पर इक्वल होते हैं, वो है 45 डिग्री 1/√2 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2, और कॉस 90 होता है 0। तो हमारे पास सारे एंगल्स डिफाइन हो गए, तो सारे एंगल्स डिफाइन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आसानी से ये बन गया।
अब टैन थीटा को हमें इतनी आसानी से फॉर्मूला पता है, हम सबको पता है कि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने पिछली वीडियो में इसकी बात की थी, सारे फॉर्मूला देखे थे, टाइप 2 के क्वेश्चन देखे थे और हमें अच्छे से पता है। तो हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करते जाओ तो टैन की वैल्यू आती जाएगी, साइन अपॉन कॉस करो तो टैन आता है, डिवाइड करते जाओ टैन आता जाएगा, यानी कि 0/1 करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी टैन की वो आएगी 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/√3, यानी कि टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ऐसी टैन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, इसको इससे डिवाइड करो, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1। ऐसी टैन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा ओनली √3। टैन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1/0, और हम सबको पता है कि 0 से डिविजन डिफाइन नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड, कुछ भी लिख देंगे और ये हमारा होगा आंसर। 5 वैल्यूज आ गई, इसको थोड़ी सफाई से लिख लेते हैं। जीरो, 1/√3, 1/√3 नॉट डिफाइंड। अब इन तीनों वैल्यूज का टेबल बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत आसानी से बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको याद करना है, आप 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, 2-3 बार जैसे मैंने बनाया ना उसी टेक्निक से 2-3 बार बना के देखो, 2-3 बार इसको रीड करो, याद हो जाएगा। अब इसके रेसिप्रोकल तो अपने आप ही निकल जाएंगे, कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin θ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin θ, यही फॉर्मूला होता है उसका। तो कोसेक की अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है तो साइन की जो वैल्यू है उसको उल्टा करते जाओ, 0 का उल्टा यानी कि 1/0, अभी हमने देखा था 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है। ऐसे ही कॉस की वैल्यू निकालते जाओ, इसकी तो वैल्यू, अब हमें सेक की वैल्यू निकालनी है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या करना है, जो कोसेक की वैल्यू आई है उसी को उल्टा कर दो, बिल्कुल वही होगा। तो अगर ये 1 है यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2/√3 है यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, √2 है √2 आ जाएगा, 2 और नॉट डिफाइंड। या फिर आप ऐसे भी करके देख सकते हो कि कॉस का उल्टा होता है सेक, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, 1/cos θ, यही होता है सेक थीटा, तो आप डायरेक्टली इसको उल्टा करते जाओ तो भी आ जाएगा। अब क्या बचा लास्ट हमारे पास, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, वो भी क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, फिर से नॉट डिफाइंड, ठीक है, 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल यानी कि 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड क्या होता है, 1/0, इसका फिर से उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, 0/1, और 0/1 मतलब 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, टेबल बन गया, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल बन गया, और आपको आराम से याद भी हो जाएगा, आपको बनाना तो आ गया ना, अगर आपको कोई वैल्यू याद ना भी आए तो आप टेबल बना सकते हो जल्दी से। और दूसरी बात, इस टेबल को 2-3 बार बना के देखो, आपको सारा टेबल सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, उसको अलग अलग रीड करो और वैसे करके देखो, जैसे कि किसी एक वैल्यू पे हाथ रख लो और बोलो कॉस 30 क्या है, अच्छा साइन 30 हमें पता है 1/√2 है, 1/2 होता है, अब कॉस 30 देखना क्या होता है, तो वो होता है √3/2, ऐसे कुछ ना कुछ बोल के देखो और करते रहो और आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, ठीक है। अब टाइप 3 के क्वेश्चंस करते हैं, इसको आप जल्दी से याद कर लो, अगर आपको टाइप 3 के क्वेश्चंस करने हैं तो पहले वीडियो रोको, इस टेबल को याद करो, 2-3 बार बना के देखो, फिर क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है cos 60 प्लस sin 60 डिवाइड बाय cos 60 माइनस sin 60 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है, और 4 ऑप्शंस हमें गिवन होंगे, हमें एक चूज करना होगा, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करते हैं, आपको टेबल याद है, सारी वैल्यूज याद है, तो cos 60 की वैल्यू भी आपको याद होगी, कितनी होगी, 1/2, साइन 60 की कितनी वैल्यू होती है, √3/2, ऐसी cos 60 की वैल्यू 1/2, अब की बार बीच में माइनस साइन, और ये आ गई √3/2 वैल्यू, अब बस हमें इसे सॉल्व करना है, LCM लेंगे ऊपर भी 2 आएगा, यानी कि 1+√3/2, और नीचे लेंगे तो नीचे भी LCM 2 आएगा, तो 1-√3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर बच गया 1+√3, 1-√3, पर इस टाइप का तो आंसर है ही नहीं, तो क्या करना होता है अगर आंसर मैच ना हो रहा हो और उसमें रूट हो तो रैशनलाइज करो, रैशनलाइज मतलब जो डिनोमिनेटर है 1-√3 है, इसमें साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन चेंज करो, 1+√3, 1+√3 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज करके जो वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं, हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं,
पर उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको साइन चेंज करना है और मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस रूट 3 दो बार आ गया, यानी कि हम उसको स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे क्या आ गया, 1 माइनस रूट 3 इंटू 1 प्लस रूट 3, और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, a माइनस बी को जब हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम 1 माइनस रूट 3 को 1 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये बन गया। आगे सॉल्व करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। ये बच गया, ये हो जाएगा, ऊपर भी खोलते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस पे, 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 अपॉन 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 2। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू रूट 3 इज 2 रूट 3। इस पूरे को हमें डिवाइड करना है माइनस 2 से, 1 प्लस 3 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाय माइनस 2, ये आ जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कर दो, 4 अपॉन माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन माइनस 2, 2 से यहाँ पे कैंसिल, 2 बच गया, 2 अपॉन माइनस 1 यानी कि माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 बच गया, ये आ जाएगा माइनस रूट 3। दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा 2 प्लस रूट 3, आंसर आ गया माइनस और ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 या फिर रूट 3 प्लस 2, एडिशन में तो आगे पीछे लिखो एक ही बात है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं, और ये आगे हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें एलसीएम ही करना होता है, और एलसीएम लेना बहुत आसान होता है, मैंने बहुत धीरे धीरे इसलिए लिया है जिससे आपको समझ में आएगा एक स्टेप, और बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन देखो 60 30 90 45 0, अगर ये वाले एंगल्स यूज है तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, यही तो हमारा थर्ड टाइप है। अगर ऐसे एंगल्स है जिनकी में वैल्यू आती है तो वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हाँ, पैसे एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करो साइन 45 डिग्री से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो टैन 60 डिग्री से, डिवाइड कर दो टैन 60 डिग्री से, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने करना पड़ेगा थर्ड टाइप से। थर्ड टाइप क्या कहता है, क्योंकि एंगल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमें आती है, हमें साइन ऑफ 30 की वैल्यू पता है, कॉस ऑफ 45 की वैल्यू पता है, और टैन ऑफ 60 की वैल्यू पता है, तो हमें बस पुट करना है और सॉल्व करना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कॉस 45 डिग्री की 1/√2, टैन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, 1 से 1 करेंगे 1, 2 से करेंगे तो 2√2, और इसको डिवाइड कर दो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 था जो दिख नहीं रहा था, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर बचेगा हमारे पास 1/√2 × √3, यानी कि 1/√2 × √6। अब ये क्यों हुआ, अगर √2 × √3 है तो इसको हम कॉमन लिख सकते हैं √2 × 3, √2 × √3 को क्या लिख सकते हैं, √2 × 3, और 2 × 3 क्या होता है, √6 हो गया, तो हमने ये लिखा है, ये आ गया 1/√6। क्या ये किसी से मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहा, तो ट्रिक लगाओ, अगर मैच नहीं कर रहा तो रैशनलाइज करो, ऊपर नीचे किसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब की बार किसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कुछ प्लस माइनस का चक्कर नहीं है तो क्या करना है, जो भी यहाँ पे इरेशनल नंबर है, रूट वाला नंबर है, उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हम √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, √6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऊपर क्या रह जाएगा, √6, नीचे क्या आएगा, 2, और √6 × √6 क्या होता है, वो होता है 6, ये आ जाएगा √6/12। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ऐसा, डी ऑप्शन, ये आ गया हमारा आंसर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से हमें कौन से एंगल्स गिवन है, सबसे पहले एंगल देखो कौन कौन से गिवन है, रेशियोज के 60 30 45 90, इन सब पे वैल्यूज हमें आती है, तो क्वेश्चन को देख के हमें समझ जाना है कि इसमें क्या करनी है, जल्दी से वैल्यू पुट करके एलसीएम निकालना है बिना गलती करे,
ध्यान से और फाइनल आंसर देख रहे हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग, यानी कि टाइम पे ना वेस्ट करें, हम बस शुरू हो जाएंगे। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 1/2 आ जाएगी। टैन 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, टैन 45 की वैल्यू होती है 1 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन, इसका एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। ऊपर एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 2 एलसीएम आया तो यहाँ पे 1 माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 2। ऐसे नीचे एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा √3, यहाँ पे आएगा -2 + 2। हम इसको एज इट इज यहाँ भी काट सकते थे, मैंने नहीं काटा, तो यहाँ पे काट दो, -2 + 2 कट जाएंगे, यहाँ पे 1 और -1 कट जाएंगे। डायरेक्टली 1/2 और -1/2 भी आप काट सकते थे, मैंने पता नहीं क्यों नहीं काटा। तो क्या बच गया यहाँ पे 2/2 / √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 2/√3। क्या कोई आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। अगर यहाँ पे नीचे रूट में है तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 × √3 और √3 × √3 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 2√3/3। क्या कोई ऐसा आंसर दिख रहा है? दिख रहा है, तो इसको टिक कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। वो तो हमें तीनों आती हैं, कौन कौन सी तीन थी रिकॉल करते हैं। एक क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। और तीसरी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक्स स्क्वायर थीटा। तीनों वापस याद आ गई। अब उनका इस्तेमाल करके थर्ड टाइप के क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। अब तो थीटा की वैल्यू भी नहीं गिवन, अगर थीटा की वैल्यू नहीं गिवन तो थर्ड टाइप तो नहीं हो सकता, और थीटा की वैल्यू नहीं गिवन तो सेकंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड कब होता है, जब एंगल्स कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि उनको सम करके 90° आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहते हैं, जिसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह चेक कर रहे होते हैं, तो जिसमें हम ट्राइंगल रूल अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको करेंगे जनरल कॉमन सेंस से और एक फॉर्मूले से जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। अगर हमें टैन थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन है और हमें ये निकालना है, इसका मतलब हमें ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए मान लो टैन थीटा, बी मान लो कॉट थीटा, और हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ऐसा कोई फॉर्मूला याद है जिससे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए? याद तो है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आंसर बनता है। अब इसी को इस पर लगाओ, मान लो हमारा ए है टैन थीटा और बी है कॉट थीटा, तो हम अगली बार क्या करेंगे, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करके देखते हैं। ये क्या आएगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 × tan θ × cot θ, यही आएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको एज इट इज लिख दो नीचे, और जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको दूसरी साइड ले जाओ, पर दूसरी साइड लेके जाने से पहले उसका कुछ इलाज करो। अरे ये तो 2 है, बिल्कुल सही बात है, पहचान में आ रहे हैं। उसके आगे कुछ पहचान में आ रहे हैं, टैन थीटा और कॉट थीटा, क्या आपको पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब टैन थीटा क्या होता है, 1/cot θ, या फिर कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan θ, क्या ऐसा होता है, यानी कि आपस में कट जाएंगे, बिल्कुल। यहाँ पे क्या बचेगा, अकेला प्लस 2, और प्लस 2 यहाँ पे, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस 2 को इधर से यहाँ पे लेंगे, हो जाएगा -2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, RHS की निकालनी है, LHS को सॉल्व करते हैं। LHS कैसे सॉल्व होगा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर करो, उसमें से 2 माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, उसमें से 2 माइनस कर दो 23, और ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू। और हमें ऑप्शंस क्या गिवन थे, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, मैं ऑप्शंस देख के बताती हूँ। ऑप्शंस हमें क्या गिवन थे, 25, 27, 23, 24, और हमारा आंसर क्या आ गया, 23, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्लियर? कुछ मुश्किल था इसमें? मुश्किल नहीं था, दिमाग लगाना था, बिल्कुल कॉमन सेंस लॉजिक लगाना था, जो अगर याद आ जाए तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, वरना क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा, ठीक है। अब टाइप 3 के क्वेश्चंस ख़त्म।
मैंने कुछ और क्वेश्चन पेपर्स देखे पिछले ईयर के और उससे एक दो साल पहले के, तो उसमें एक और टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। मैंने उसको टाइप कंसिडर नहीं किया था कि मेरे को लगा फॉर्मूले से आप डायरेक्टली खुद ही खेल सकते हो, फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, उसे आंसर निकाल सकते हो। पर मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि वो वाले क्वेश्चन भी मैं करा दूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही छोटे सा एक लेक्चर दूंगी जिसमें मैं टाइप 4 की बात करूंगी और उसमें हम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फॉर्मूला लग के क्वेश्चन सॉल्व होता है। वो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, हमें थोड़ी बहुत फॉर्मूला करने हैं। एक तो टेन नाइन्टी वाले जो हमने टाइप 2 वाली वीडियो में करा था, एक हमने किया है ये वाले फॉर्मूला जिसमें हमने वैल्यूज याद करी है, और कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हैं जो हमने थोड़ी देर पहले ही याद करी थी, तो उसको यूज़ करके ही बस उन फॉर्मूला पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो सिंपल होंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो को एक समरी क्वेश्चन आंसर्स वीडियो समझ सकते हैं जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे और जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक जो भी SSC बैंक पी वगैरह में आएगा वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या अपना कोई भी डाउट मेंशन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या FB पे मेरे को मैसेज भेज सकते हैं एंड यू विल बी ऑलवेज हेल्प। ओके सो वील मीट इन द नेक्स्ट।